हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे? तो होप करता हूँ सारे अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा मुझे फर्स्ट पेमेंट कितना मिला था। सारा चीज़ आपको मैं डिटेल में बताने का कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन मुर्मू और आप देख रहे हैं मुर्मू गूगल बॉय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बहुत सारे भाई लोग ने मुझे कमेंट किया था कि पेमेंट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ और मुझे कितना पेमेंट मिला सारा चीज़ आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो पर, इसलिए इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों, कितना मेहनत करने के बाद मुझे पैसा मिला यूट्यूब से। दोस्तों, बहुत ही मेहनत करने के बाद दोस्तों मुझे पैसा मिला, तो आपको मैं बताऊंगा मेरे साथ कितना प्रॉब्लम हुआ है और इसके बाद ही मुझे पैसा मिला यूट्यूब से। और दोस्तों, मैं बहुत खुश था जब मुझे पैसा मिला अपने हाथ में। दोस्तों, जब यूट्यूब से मुझे पैसा मिला तो मैं बहुत खुश था दोस्तों, मैं हंसने लग गया था, मतलब मेरा दिल खुश हो गया था। तो चलिए, मेरे साथ क्या क्या हुआ है सर जी आपको मैं बताऊंगा। तो आपको मैं डायरी दिखा रहा हूँ। तो मेरे पास है दो डायरी, तो ये रहा मेरा बड़ा डायरी और ये रहा मेरा छोटा डायरी। तो इसमें आपको कुछ आपको मैं दिखाऊंगा, मैं इस चैनल को कब क्रिएट किया था आपको मैं बताऊंगा। तो सारा चीज़ आपको मैं प्रूफ के साथ बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा मेरा फ़ोटो, यहाँ पर आप देख सकते हो और नीचे आप देख सकते हो मुर्मू गूगल बॉय, यहाँ पर मैं लिखा हूँ और डायरी लिखा हुआ है 2018। और साइड में आप देख सकते हो व्यूज आए या ना आए वीडियो अपलोड करूँगा। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ज्वाइंट यूट्यूब ज्वाइन 2 अगस्त 2018। और दोस्तों, 2018 से मैं, मतलब 2018 को मैं मुर्मू गूगल बॉय यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया और इस चैनल पर मैं 10 नवंबर 2018 से वीडियो अपलोड करता था। 10 नवंबर 2018 से मैं वीडियो अपलोड करता था और मेरा चैनल बहुत ही अच्छा से ग्रो हो रहा था और मैं बहुत ही कोशिश कर रहा था और मेरा चैनल ग्रो हो रहा था। और दोस्तों, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ आपको मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। और छोटा डायरी आपको मैं दिखा रहा हूँ और ये रहा मेरा छोटा डायरी सेम, ये भी 2018 में मैं ख़रीदा हूँ। इसमें आपको मैं दिखाऊंगा इसमें मैं क्या लिख के रखा हूँ। तो दोस्तों, मैं हमेशा टारगेट रखता हूँ और मैं कभी हार नहीं मानता हूँ। तो ये रहा मेरा छोटा डायरी, आप देख सकते हो 2018। और ये रहा मेरा छोटा फ़ोटो, इसमें मैं पासपोर्ट साइज छोटो फोटो सॉरी दोस्तों फ़ोटो चिपकाए हुए हैं, आप देख सकते हो और देख सकते हैं मुर्मू गूगल बॉय इस तरह से। और इसमें मैं वही चीज़ लिखता हूँ जब लोग मुझे कमेंट करते हैं और बहुत सारा लोग मुझे अपना चैनल का प्रॉब्लम बताते हैं और जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम, इसमें मैं लिख के रखता हूँ ताकि मैं घर आकर, मतलब याद करके उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ। तो छोटा मोटा प्रॉब्लम इस पर मैं लिखता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ अपना चैनल पर। तो दोस्तों, मेरा चैनल 2 अगस्त 2018 को मैं क्रिएट किया, 10 नवंबर 2018 से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया। और दोस्तों, मेरा चैनल बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा था और मेरा चैनल जैसे ही मोनेटाइज हो जाता है, मेरा चैनल पर 4-5 वीडियो बहुत ही अच्छा से व्यूज आ रहा था, मतलब 1 लाख 2 लाख वैसे व्यूज अच्छा खासा मेरा व्यूज आ रहा था। और दोस्तों, 2019 में मेरा चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, इसलिए मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो सारा चीज़ आपको मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है, आपको वही चीज़ आपको मैं बताऊँगा कितना मेहनत करने के बाद मुझे पैसा मिला, वही चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो यहाँ से मैं अपना इंस्टाग्राम पर आ जाता हूँ, यहाँ से मैं दिखाने का आपको मैं कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा वेट कीजिएगा, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है और आप सबको पता है मैं विलेज से हूँ, सो विलेज में रहकर भी मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ, कभी हार नहीं मानता हूँ। और मैं अपना विलेज में किस तरह से वीडियो अपलोड करता था करता हूँ आपको मैं बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों हमारे घर में नेटवर्क नहीं है, मतलब
वीडियो अपलोड करने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, मतलब घर से निकलकर बाहर जाना पड़ता है, बाहर जाकर अपलोड करना पड़ता है, और एक एक घंटा या 2 घंटा वैसे टाइम लग जाता है। और विलेज में तो आपको पता है लाइन लाइन सब भी नहीं रहता है। सो फिर भी मैं हार नहीं मानता हूँ, फिर भी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है 2019 में, और ये आप देख सकते हो, ये मेरा है लोगो, यहाँ पर आप देख सकते हो। आप ये गलती मत करना, इस तरह से मैंने लिख के रखा है। और मेरा चैनल मतलब डिसेबल हो गया, मतलब देख सकते हो ये रियल का है। और 1 मंथ तक मेरा चैनल डिमोनेटाइज मतलब मेरा डिसेबल ही रहा। और दोस्तों मेरा चैनल पर जितना भी अर्निंग हुआ था वो एडसेंस में चला गया था, लगभग 85 85 से ज़्यादा डॉलर वहीं पर था, मेरा एडसेंस अकाउंट पर वहीं पर था। और दोस्तों मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है, डीमोनेटाइज हो जाने के बाद दोस्तों 1 मंथ तक मेरा चैनल में कोई भी अर्निंग नहीं होता है, और मेरा चैनल डीमोनेटाइज मतलब डिसेबल क्यों हुआ आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों एक भाई था जो मुझे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक दिया था। और दोस्तों क्यों दिया आपको मैं इस वीडियो पर मैं क्लियर बता देता हूँ। और पहले मैं क्या करता था, मैं वीडियो बनाता था, उसमें छोटा छोटा क्लिप मतलब कभी कभी मैं 55 सेकेंड या 30 सेकेंड से भी ज़्यादा यूज करता था, और मैं वीडियो के अंत या वीडियो के शुरू में मैं उसे यूज करता था मैजिक। और वो मैजिक वाला चैनल वाला बंदा वो मुझे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक दिया, और मैं बहुत डरा हुआ था कहीं मेरा चैनल पर तीसरा कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। सो मैंने उस भाई से मुझसे मैं उस भाई से मैं बात किया फ़ोन से, मुझे उस भाई का नंबर मिला, और मैं उसे ईमेल भी किया, और मैं उसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा, भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं गलती से इस तरह से किया हूँ, मैं सारा वीडियो डिलीट करूँगा। और दोस्तों मेरा चैनल पर लगभग 45 से ज़्यादा वीडियो मैं डिलीट किया, क्योंकि मेरा चैनल पहले से मोनेटाइज था। और मैं डिलीट किया क्योंकि वो भाई बोल रहा था अगर डिलीट नहीं करोगे तो मैं फिर से आपको मैं कॉपीराइट स्ट्राइक दूंगा, और मैं उसे हाथ जोड़कर बोला भाई मैं सारा वीडियो डिलीट करूंगा। और जैसे ही मैं डिलीट किया मेरा सारा वॉच टाइम व्यू सारा कट गया। कट जाने के बाद दोस्तों मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया, मतलब डिसेबल हो गया, मेरा चैनल डिसेबल हो गया 1 मंथ तक। और दोस्तों मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट में $85 के आसपास रह गया, और दोस्तों मुझे फर्स्ट पेमेंट नहीं मिल पाया क्योंकि मेरा डिसेबल हो गया। और सबको पता है $100 पर फर्स्ट पेमेंट मिलता है, और दोस्तों मुझे नहीं मिला क्योंकि $85 के बाद मेरा सारा वॉच टाइम और सारा व्यू कट गया क्योंकि मैंने डिलीट किया अपना वीडियो। सो इसलिए मेरा चैनल डिसेबल हो गया, और मैं बहुत परेशान था 1 मंथ तक। 1 मंथ तक इतना परेशान था कि रात में भी मतलब मैं सोचता था कैसे मैं फिर से अपना चैनल मोनेटाइज कराऊंगा, किस तरह से मैं अपना चैनल मोनेटाइज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कर पाऊँगा कि नहीं, मतलब फिर मेहनत करने के बाद फिर से मैं मेरा मोनेटाइज मतलब फिर से मैं इनेबल किया, और बहुत सारा वीडियो मेरा वायरल हो गया। और दोस्तों बहुत सारा वीडियो मैं अपना चैनल पर प्राइवेट करके रखा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं व्यूज के लिए बनाता था, और मतलब डॉलर के लिए बनाता था, मतलब शुरू शुरू में जब मेरा मोनेटाइज हो गया तो उस समय मैं जो भी ट्रेंडिंग पर चलता था वही उस टॉपिक पर वीडियो बनाता था। और दोस्तों फिर से मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाने के बाद मेरा $220 से ज़्यादा हो गया, और दोस्तों मेरा 2020 में मेरा पेमेंट आ गया, और 2020 में मुझे पेमेंट मिल गया था, और उस दिन दोस्तों मैं बहुत खुश था। और क्या बताऊं दोस्तों, मतलब इतना मेहनत करने के बाद मुझे पेमेंट मिला आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत ही मैं मेहनत किया हूँ, तो बहुत ही मेहनत करने के बाद दोस्तों यूट्यूब से पैसा मिलता है। और दोस्तों मुझे $220 मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट में हो गया था, और मेरा
दोस्तों मेरा पेमेंट आपको मैं बता देता हूँ, कोई भी बंदा आपको पेमेंट नहीं बताता, लेकिन मैं आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों ताकि आपको भी पता चल सके मुझे कितना मिला था। और दोस्तों मुझे यूट्यूब से पेमेंट मिला था 16,000 से ऊपर और 17,000 से नीचे। दोस्तों 16-17 इसी के बीच मुझे पेमेंट मिला था, मतलब फर्स्ट पेमेंट मिला था। तो वीडियो कैसे लगा अब नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आपको पता चल गया मुझे 16,000 से ऊपर और 17,000 से नीचे मुझे पेमेंट मिला था, और मुझे एक ही बार ही पेमेंट मिला है, और अभी तक मुझे दूसरा पेमेंट मतलब सेकंड पेमेंट नहीं मिला, क्योंकि मेरा चैनल पर उतना अच्छा व्यूज नहीं आता है, और मैं कुछ दिनों से उतना अच्छा वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, और मैं कोशिश करूँगा अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का, और ताकि आपको भी कुछ मैं सिखा पाऊँ। तो बस यही था मैं आज का वीडियो, कैसे लगा नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों बहुत ही मेहनत करने के बाद मुझे पेमेंट मिला, बस तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, यूट्यूब से आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।